हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा नीम का तेल बनाने का घरेलू तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप घर पर ही शुद्ध नीम का तेल बना सकते हैं और इस नीम के तेल के काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि नीम में काफी सारे औषधीय गुण होते हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी और कैसे बनाते वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारा यूनिक यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए दिखाते हैं क्या क्या सामग्री और किस तरीके से बनाते हैं। आपको जो नीम का तेल बनाने के लिए सामग्री चाहिए, आपको नीम के पत्ते इस तरह से नीम के पत्ते ले, और कोकोनट ऑयल यानी कि गोले का तेल, इसे हिंदी में गोले का तेल बोलते हैं, इंग्लिश में कोकोनट ऑयल, और देहाती भाषा में नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल में इसलिए बना रहे हैं यानी कि नारियल का तेल स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो नीम से पत्ते तोड़ के लाएं उनको अच्छी तरह से साफ कर लें, क्योंकि उस पर मिट्टी धूल वगैरह जमी होती है, तो आप उसको अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद ये नीम के पत्ते इस तरह से तोड़ लें, ये सारे पत्ते, ये पत्ते इसकी, ये जो ब्रांचेज है ये ब्रांचेज को हटा दें और अच्छे अच्छे ये सारे पत्ते आप ले लें। ये इस तरह से तोड़ लें, इनको क्या करेंगे, मिक्सी में इनको पीस लेंगे, यानी कि इन पत्तों को पीस लें, चटनी की तरह बना लें। इसको हम ढक देते हैं और तो दोस्तों ये पीस गई है, ये देखो इस तरीके से बन गई। ये ऑयल डाल लेते हैं, पहले हम हल्की गैस जला लेते हैं, इसको बहुत ही हल्की कर लेते हैं, क्योंकि तेल जलना नहीं चाहिए, और इसको इस पर रख देते हैं। तो ये थोड़ी देर हम इस तेल को गर्म होने देते हैं और उसकी जो हमने नीम की पत्तियां पीसी है वो इसको हम इसमें डाल देते हैं। कि हमने इसमें डाल दी और इसको चलाते रहेंगे हल्की हल्की फ्लेम पर। इससे क्या होगा कि ये लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक इसको ऐसे ही हल्की आंच पर पकने दें और इसको चलाते रहें। ये तेल जलना नहीं चाहिए और इसके अंदर जो पत्तियां पीसी हुई डाली हैं वो भी जलनी नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको चलाते रहें, ये देखिए आप देख रहे हैं, और ये देखना है कि जब तक इस पे इसके अंदर ये ग्रीन कलर ऑयल में ना आ जाए तब तक आपको इसको चलाते रहना है। लगभग ये 10-12 मिनट या कभी कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन तेल जलना नहीं चाहिए। ये देखिए बहुत ही हल्का फ्लेम है, मतलब बहुत ही धीमी आंच कर रखी है मैंने, और इसको जितना भी हम तेज करेंगे तो ये जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तेल के, और इसके अंदर जो नीम पड़ा हुआ है वो भी जल जाएगा और फिर ऑयल बनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये बिल्कुल शुद्ध ही तेल बनेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं। बाज़ार से आप खरीदेंगे तो हो सकता है उसमें मिलावट हो, किस तरीके का बना हो, किस चीज़ का बना हो, ये हम आपको नारियल के तेल से ही बनाकर दिखा रहे हैं। इसको आप तिल के तेल में भी बना सकते हैं या किसी और तेल में भी बना सकते हैं। नारियल का तेल एक ऐसा तेल है जो आप सर में भी लगा सकते हैं, स्किन पर भी लगा सकते हैं, समय समय पर चेक करते रहें। ये देखिए इसको अगर आप चलाते रहेंगे तो ये लगेगा नहीं और जलेगा नहीं।
ये अभी हल्का हल्का कलर आता जा रहा है, ऑयल के अंदर नीम का कलर आ रहा है, तो आप इसको अभी चलाते रहें और टाइम लगेगा। ये देखिए, इसे 10, 12 या 15 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, जितना तेल आप बनाना चाहें उतना ही तेल आप डालें। इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और हल्के फ्लेम यानी कि गैस बहुत हल्की कर देंगे, यानी कि लाइट। इसके अंदर जो गैस की जो आग है वो धीमी आंच पे पकाना है, और ये लगभग ये देखो धीरे धीरे आता जा रहा है, इसमें नीम के कलर आता जा रहा है, नीम के पत्तों का, और इसका सारा नीम का असर इस तेल के अंदर आ जाएगा। और लगना नहीं चाहिए ये पतीले के अंदर, कहीं ये जल जाए और ये फिर हमारा तेल खराब हो जाएगा। तो आप इसको 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट तक, या जब तक आपके ऑयल में, हमने इसमें गोले का तेल डाला है, जब तक ऑयल में पूरी तरीके से ये नीम ना घुल जाए और इसका सारा रस इसके अंदर ना आ जाए, तब तक आप इसको पकाते रहिए। और तेल जलना नहीं चाहिए और लगना नहीं चाहिए, समय समय पर देखते भी रहें। जितना अच्छा पकाओगे उतना ही नीम का तेल बहुत ही बढ़िया बनेगा, और ये बहुत ही शुद्ध, यानी कि बहुत ही शुद्ध, बाजार से भी ज़्यादा शुद्ध आपके अपने हाथों का बना हुआ नीम का तेल होगा। काफ़ी चीज़ों में नीम के तेल का इस्तेमाल होता है, नीम में काफ़ी सारी औषधीय गुण होते हैं, यानी कि नीम आयुर्वेदिक दवाओं में भी इस्तेमाल होता है और बहुत ही काम आता है ये। तो ये देखिए, अब आप देख रहे हैं इसमें लगभग ये बन गया है, पकने के बाद हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए, ये लगभग बन गया है, देखो ये शुद्ध क्वालिटी का नीम का तेल है। ये नीम के तेल को हम सूती कपड़े से छान लेते हैं, ये इसको हम अब अच्छी तरह से छान लेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम छान लेते हैं। और ये देखिए आप, ये हमने छान लिया है और ये ऑयल निकल आया है। तो दोस्तों, ये नीम का तेल बनके तैयार हो गया है, काफी शुद्ध है, और बाजार से जो भी आप तेल लाते हैं उसका कोई पता नहीं होता कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आप घर पर नीम का तेल बनाएं और आपको आप इसका इस्तेमाल करें। आप अपने स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फुंसी फोड़े खारिश वगैरह हो जाती है, खुजली सी हो जाती है, तो आप इस तेल को त्वचा पर लगा सकते हैं, यानी कि अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। ये चर्म रोगों में भी काम आता है, क्योंकि नीम का तेल एक औषधीय गुण वाला होता है। अगर आपके सर में जूं हो गई हैं तो आप इस तेल का इस्तेमाल, जो कि हमने नारियल यानी कि कोकोनट ऑयल में बनाया है, आप इसे सर में भी लगा सकते हैं और आपके सर की जूं खत्म हो जाएंगी। इस नीम के तेल के काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं, आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था नीम का तेल बनाने का तरीका। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभरात्रि, शब्बा खैर।